अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद। अभी हम सज्जी कोर्ट से निकले और हवेलिया इंटरचेंज से दोबारा हज़ारा मोटरवे पर आ गए हैं। कल रात हम सज्जी कोर्ट में ठहरे और वहाँ थोड़ा सा आराम किया और आज का रूट प्लान हवेलिया इंटरचेंज से एपटाबाद मानसेरा बालाकोट से होते हुए हम शोग्रान फॉरेस्ट जाएंगे, जो कि 107 किलोमीटर का रास्ता है और इसको तय करने में हमें 3 घंटे लगेंगे। दोस्तों, एक बार फिर हम हज़ारा मोटरवे पर आ गए हैं और इस वक्त हम इब्टाबाद के एरिया से गुज़र रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और ग्रीन इलाका है। आप में से बहुत से लोगों ने इस रोड को इस्तेमाल किया होगा और इस रोड के ख़ूबसूरत मनाजिर आपने ज़रूर देखे होंगे, लेकिन मैं जब भी इस रोड से गुज़रता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। इसके ख़ूबसूरत पहाड़ और इनमें बसे ख़ूबसूरत गांव। नाजरीन, ये वो पहाड़ी गांव है जिसका भी मैं ज़िक्र कर रहा था, बहुत ही ख़ूबसूरत लगते हैं। और अभी हम पहली टनल पर पहुँच गए हैं। वैसे इस रोड पर काफ़ी टनल्स है। कुदरत ने इस इलाके को बहुत ख़ूबसूरती से नवाजा है और जो कमी थी वो इन ख़ूबसूरत पहाड़ों को तराश के इस रोड से पूरी कर दी। मुझे दिली मोहब्बत है इस पूरे इलाके से। इसलिए मैंने इस व्लॉग में हज़ारा मोटरवे पर ज़्यादा फोकस किया, ताकि जो लोग अभी तक इस रोड से नहीं गुज़रे वो इस रोड से वाकिफ़ हो और इसकी ख़ूबसूरती भी देख ले। इस रोड पे 3-4 टनल्स हैं और हर टनल से गुज़रने के बाद पूरा इलाका बदल जाता है। वाह, क्या खूबसूरत ये है हज़ारा मोटरवे की। एक और टनल से गुज़र के एक अलग नज़ारा देखने को मिल गया। बहुत फैमिलीज़ मौसम गर्मा में एबटाबाद का रुख करते हैं और गर्मी की छुट्टियां यहाँ पर गुजारते हैं। यहाँ पर आपको वेकेशन होम्स मिल जाते हैं जिनके साथ दिलफरेब बागात और दिलफरेब पहाड़ी मनाजर होते हैं, और बहुत लोगों ने यहाँ पे घर भी बनाए हुए हैं जो सिर्फ मौसम गर्मा में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ का मौसम और माहौल लाजवाब है। इस मोटरवे पर गुज़र कर इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि लोग यहाँ पर रहने क्यों आते हैं। मानसेरा इंटरचेंज पर उतर कर हज़ारा मोटरवे को खैरबाद कह दिया। ये रोड मानसेरा इंटरचेंज को मानसेरा शहर से मिलाता है और इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। कई सालों से इस रोड पे मैं गुज़र रहा हूँ, लेकिन अभी तक इस रोड को रिपेयर नहीं किया गया। बहरहाल 10-15 मिनट का रास्ता है और इसके बाद रोड सही हो जाती है। यह है कि वाई जहाँ से आप शोग्रान रोड की तरफ मुड़ जाते हैं। यहाँ से शोग्रान 7 किलोमीटर और 15-20 मिनट का सफ़र है। यहाँ से आपको ऊपर जाने के लिए जीप भी मिल सकती है। शोग्रान रोड शुरू से आखिर तक एक लंबी चढ़ाई है। जब मैं इस रोड से गुज़रा था तब इस पर काम हो रहा था।
अपनी गाड़ी पर आप सिर्फ शोग्रान तक जा सकते हैं। मकड़ा पीक पर जाने के लिए शोग्रान या नीचे के वाई से जीप लेनी पड़ती है। दोस्तों, हम शोग्रान ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। शोग्रान कागान वादी में वाक़ एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो बुलंद पहाड़ों, सरसब्ज जंगलात और ख़ूबसूरत मेडोज से घेरे हुई है। यहाँ पर पैदल चलने के लिए बहुत से ट्रैक्स हैं, जिस पर चलकर आप यहाँ के खूबसूरत मनाजिर की तलाश कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ से जीप लेकर मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं, जिनमें सबसे मशहूर मकड़ा पीक है। शोग्रान के जंगलात मुख्तलिफ किस्म के फूलों और जानवरों का एक घर भी है, जिसमें पाइन, ऑक और सेडर के दरख्त और बहुत से बर्ड्स और मैमल्स के स्पीशीज भी पाए जाते हैं। शोग्रान का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत और मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स में किया जाता है। ये जगह बहुत पुरसकून है और ताज़ा हवाओं और अपनी खूबसूरती से बहुत से फैमिलीज को अट्रैक्ट करती है। जगह थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर डे ट्रिप के लिए आते हैं। यहाँ पर दिन गुजार के आगे मुख्तलिफ मकामात का रुख करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये व्लॉग अपने अख्तिताम तक पहुंच गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।